हेलो एवरीवन, आई एम यश फ्रॉम व्यास अकेडमी। अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट किया था और आज हम चैप्टर सेकंड स्टार्ट करेंगे जो कि कंपाउंड्स ऑफ फूड है। सो व्हाट इज क्वेश्चन अराइज दैट व्हाट इज कंपाउंड ऑफ फूड। तो सबसे पहले हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि कंपाउंड एक्चुअल में होते क्या हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, देखा था कि फूड के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, ये सारे छोटे छोटे से मिनरल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इन्हें हमने न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स के नाम से पहचाना था। तो आज हम उसी के बारे में आगे डिटेल से बात करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर, व्हाट इज़ कंपाउंड ऑफ फूड। तो बच्चों जैसा कि है कि ऑल काइंड ऑफ न्यूट्रिशन, हमें डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ फूड से डिफरेंट न्यूट्रिशंस हमें मिलते हैं। तो उन न्यूट्रिशन से हमें क्या होता है, हमारी जो हेल्थी लाइफस्टाइल है हम उसे आगे कंटिन्यू कर पाते हैं, हमारी बॉडी की बराबर से ग्रोथ कर पाते हैं, डेवलपमेंट हमारा कंप्लीट होता है। तो जितने भी छोटे छोटे ये विटामिन्स, मिनरल्स, न्यूट्रिशंस, इस जिसे हमने एक सिंगल वर्ड न्यूट्रिशन के नाम से पहचाना था, वो सभी मिला करके कंपाउंड्स ऑफ फूड कहलाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करते हैं, तो हमने इन्हें अच्छे से समझने के लिए इनका क्लासिफिकेशन किया था अकॉर्डिंग टू देयर एक्शन। सो यहाँ पर हमने एक इंडेक्स प्रिपेयर किया है, टाइप्स ऑफ फूड, सेकंड है हमारे पास न्यूट्रिशन, किस टाइप से फूड से क्या हमें मिलता है और फूड आइटम्स, किस किस फूड आइटम से हमें क्या क्या मिलता है। तो फर्स्ट कैटेगरी हमने यहाँ पर क्लासिफाइड की है एनर्जी गिविंग फूड टाइप। ऐसे कौन कौन से फूड आइटम्स हैं और न्यूट्रिशंस हैं जिनसे हमें एनर्जी मिलती है, तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आता है हमारे पास में कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि कार्बोहाइड्रेट इज़ अ वेरी गुड न्यूट्रिशन फॉर एनर्जी। एक तरह से आप कह सकते हो कि कार्बोहाइड्रेट एक बहुत अच्छा स्रोत है हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी देने के लिए। हम नॉर्मली किस किस से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, तो फूड आइटम्स यहाँ पर होंगे सीरियल्स, शुगर, ऑयल एंड फैट। सबसे पहले हमने बात की थी अनाज के बारे में, जिसमें हम गेहूं, चावल, मक्का, ये सभी को नॉर्मल हमारे डेली बेसिस पर डाइट में हम शामिल करते हैं। और उसके बाद में शुगर, हमें इंस्टेंट एनर्जी के लिए हम नॉर्मली यूज़ करते हैं ग्लूकोज, फ्रूट जूस और डिफरेंट काइंड ऑफ WORS वगैरह के। हम जब भी इस तरह के एनर्जी ड्रिंक हम पीते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं शुगर लेवल बहुत ज़्यादा होता है, जो हमें इंस्टेंटली एनर्जी प्रोवाइड करता है। उसके बाद में ऑयल एंड फैट, हम फैट के बारे में भी आगे चैप्टर में पढ़ेंगे कि फैट किस तरह से हमें एनर्जी देता है। सेकंड कैटेगरी हमने ली है बॉडी बिल्डिंग, यानी कि बॉडी बिल्डिंग में ये है कि किस तरह से हमारी सेल्स न्यू डेवलप होती हैं, ग्रोथ होती हैं, और अगर कोई डैमेज सेल है तो उसे वापस किस तरह से रिपेयर किया जाता है, किस फूड को खाने से होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो ऐसा कौन सा न्यूट्रिशन है जो हमें इस तरह की एनर्जी देता है, या फिर कह लीजिए आप कंपाउंड देता है, तो वो होता है प्रोटीन। और वो हमें किन किन फूड आइटम से मिलता है, वो हमें मिलता है मिल्क, पल्सेस, मीट एंड फिश। आपने बहुत बचपन से देखा होगा कि हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कि दूध पीने से हमारे बॉडी की शक्ति आती है, हमारी ग्रोथ अच्छी होती है। तो बिल्कुल सही, यहाँ पर एक बहुत अच्छा चीप आप यहाँ कह सकते हैं सोर्स है मिल्क, जिससे हमें प्रोटीन मिलता है। और प्रोटीन हमारी बॉडी में हमारी डेवलपमेंट के लिए, हमारी सेल्स, हमारे बॉडी डेवलपमेंट के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। और साथ ही साथ अगर आप बात करते हैं रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन किससे मिलता है, तो वो आपको मीट और फिश से मिलता है, जिसे आप काफ़ी जब जो नॉन वेजिटेरियन होंगे वो अपनी डाइट में उसे इंक्लूड करते हैं, और वहाँ पर उन्हें यहाँ पर प्रॉफिट होता है एज़ कम्पेयर टू वेजिटेरियन। और वेजिटेरियन में हम मिल्क के अलावा डिफरेंट काइंड ऑफ पल्सेस यूज़ कर सकते हैं, जिनमें हमें डिफरेंट काइंड क्वांटिटी में प्रोटीन मिलता है। लास्ट हम बात करते हैं प्रोटेक्टिव फूड आइटम्स, जो हमें इम्यून सिस्टम हमारा बूस्ट करते हैं। तो उनमें हमें क्या मिलता है, मिनरल्स एंड विटामिन। ये एक ऐसे कह लीजिए न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी में प्रोटेक्शन एज अ शील्ड वर्क करते हैं। अगर इनकी कमी होती है तो हमारी ज़्यादातर तबीयत ख़राब होती है, हम ज़्यादा इल होते हैं, हमें डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज़ होने लगती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऐसे कौन से फूड आइटम्स हैं जिनसे हमें मिनरल्स एंड विटामिन मिलते हैं। तो सबसे बेसिक सा आंसर आपका भी होगा फ्रूट्स। हमें पता है कि फ्रूट्स खाने से हमें डिफरेंट काइंड ऑफ मिनरल्स, विटामिन मिलते हैं। और जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि बहुत सारे फ्रूट्स जो हैं वो विटामिन बी एंड सी रिच होते हैं, यानी कि उनमें बहुत भरपूर मात्रा में हमें विटामिन बी और सी मिलता है।
आगे हम बात करते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। आपने सुना होगा पेरेंट्स की बहुत बार कि आप वेजिटेबल खाइए, चाहे आपको पसंद हो या ना हो, फिर भी आप वेजिटेबल खाओगे तो आपकी बैलेंस्ड पूरी ग्रोथ अच्छे से होगी। सो बिल्कुल सही, यहाँ पर यही है कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाने से हमें मिनरल्स एंड विटामिन्स मिलते हैं, जिनसे क्या होता है हमारी इम्यून सिस्टम इंक्रीज़ होता है, बूस्ट अप होता है और हमारी हेल्थ अच्छी होती है। नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं तो हमने यहाँ पर अब डिफरेंट न्यूट्रिशंस को थोड़ा और डिटेल से डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके कि किस न्यूट्रिशन से हमें क्या फ़ायदा होता है। तो फर्स्ट हमने यहाँ पर लिया है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर हमें क्या मिलता है कार्बोहाइड्रेट, अभी हमने फूड आइटम्स के बारे में बात की कि किस फूड आइटम से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, अब थोड़ी डिटेल से बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट हमें किस तरह से एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली आपने अपनी डेली बेसिस पर जब भी हम कोई खाना वगैरह खाते हैं तो उसमें हम कोई ना कोई ऐसा कार्ब का एक सोर्स रखते हैं, चपाती, राइस या फिर अदर काइंड ऑफ फूड आइटम। आप डेली कंपलसरी आपके पेरेंट्स आपको फूड आपके लंच में आपके डिनर में एक ना एक कोई ऐसा आइटम इंक्लूड करते हैं। अब ये क्या करता है, जब भी आप बहुत स्कूल टाइम पर आप जब भी सुबह आते हो लंच करके और फिर पूरी क्लासेस अटेंड करते हो और जब लंच टाइम होता है तब तक आपका एनर्जी लेवल बहुत कम हो जाता है, यानी कि बॉडी में जब तक आपने जो भी सुबह एनर्जी के लिए आपने फूड इंटेक किया था वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होके और अब जब आपने जो भी दिन भर में एक्टिविटी की और वो धीरे धीरे सब फिनिश हो जाता है। तो जैसे ही आप लंच करते हो उसके बाद में आपको थोड़ी एनर्जी फील होती है, तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट आपको मिला है चपाती से, राइस से। सो यहाँ पर बहुत सिंपल छोटा सा कह सकते हो आपके इजीली अवेलेबल सोर्स है कार्बोहाइड्रेट, जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बोहाइड्रेट का मेन यही वर्क होता है कि हमें एनर्जी देता है। अब इसके भी दो टाइप्स होते हैं, एक तो सिंपल और होता है कॉम्प्लेक्स। अब सिंपल कार्बोहाइड्रेट में जितने भी सिंपल कार्बोहाइड्रेट, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल शुगर, जो आपको सिंपली आसानी से डाइजेस्ट हो जाती है और रॉ मटेरियल में आपको डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोसेस के बाद में देखने को मिलती है। और सेकंड होती है स्टार्च, जो कि हमें रेयर केसेस में डायरेक्ट हम स्टार्च को कभी देख नहीं सकते हैं, हम उसे किसी ना किसी मटेरियल में आप देख सकते हैं। हायर क्लासेस में जाने के बाद में आपको यहाँ पर और डिटेल से बताया जाएगा। तो स्टार्च जो होता है, हमने लास्ट प्रीवियस क्लासेस में देखा था कि फोटोसिंथेसिस में जब प्रोडक्ट प्लांट क्या करता है, वहाँ पर अपना फूड बनाता है और उसे अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, प्लांट डिफरेंट बॉडी पार्ट में स्टोर करता है एज अ स्टार्च। सो डिफरेंट यहाँ पर कॉम्प्लेक्स स्टार्च आप देखते हैं, ये भी दो टाइप के होते हैं कार्बोहाइड्रेट जो हमें एनर्जी देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम, तो यहाँ पर देखते हैं हमने फैट। फैट क्या होता है, आपने नॉर्मली देखा होगा कि फैट हम उस टाइम पर यूज़ करते हैं जब हम किसी मोटे यानी कि बल्कि पर्सन को देखते हैं जिसकी बहुत ज़्यादा हेल्थ हो, तो हम बोलते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा फैट है। तो कॉमन सी बात है कि फैट से हम ये शब्द यूज़ करते हैं कि कोई बहुत ज़्यादा मोटा है, लेकिन क्या ये बहुत नुकसान वाली बात है कि हम कोई खाना खा रहे हैं और उसमें फैट है तो क्या हमें उसे नहीं खाना चाहिए? बच्चों, फैट भी दो टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। और अगर आपको ये बात जानकर के बहुत हैरानी होगी कि फैट जो है बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, जैसा कि मैंने बताया सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैट, तो इसके बारे में अभी हम बात करते हैं। लेकिन अगर सिर्फ हम फैट की बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट जितनी हमें एनर्जी देता है उससे जस्ट डबल ट्रिपल क्वांटिटी में हमें फैट से, गुड फैट से हमें एनर्जी मिलती है, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ईजीली हम जब उस गुड फैट को हम ईट करते हैं और उसे हम यूटिलाइज़ करते हैं तो वो आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है और हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है। तो सैचुरेटेड फैट की यही खासियत होती है। और फैट जो है नॉर्मली दो टाइप का होता है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड फैट नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट में होते हैं और अनसैचुरेटेड फैट जो स्टेट होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। कुछ एग्जांपल की हम बात करते हैं तो सैचुरेटेड फैट में हम बटर का एग्जांपल ले सकते हैं और अनसैचुरेटेड फैट में हम ऑयल का एग्जांपल ले सकते हैं। तो आपने अक्सर देखा होगा कि जो भी डाइटिंग करते हैं तो उस कंडीशन में वो ऑयली फूड कम खाते हैं, मैदा और इस टाइप के फास्ट फूड, डिफरेंट काइंड ऑफ फूड आइटम्स को वो कम खाना प्रेफर करते हैं। तो यही रीज़न है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट का। तो फैट की हमने टू कैटेगरी पढ़ी। उसके बाद में हम बात करते हैं पॉइंट सी, प्रोटीन। अब प्रोटीन के बारे में आपने बहुत सुना होगा कि प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो हमारे माइंड में सीधी बात आती है कि कोई प्रोफेशनल कोई बॉडी बिल्डर होगा जिसके लिए प्रोटीन की ज़रूरत है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है।
यहाँ पर हम नॉर्मल ह्यूमंस के लिए भी प्रोटीन बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत सारी ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस चलती रहती है जिसमें हमें प्रोटीन की ज़रूरत होती है। अगर इसकी कमी होगी तो भी हमें डिजीज़ होने वाली, और इसकी ज़्यादा क्वांटिटी होने हो जाएगी बॉडी में तब भी हमें डिजीज़ होने वाली। तो सारे न्यूट्रिशंस जो हैं वो इक्वल बैलेंस क्वांटिटी में हमें चाहिए होते हैं। तो प्रोटीन की हम बात करते हैं तो बॉडी बिल्डिंग, बिल्डिंग सेल्स एंड ग्रोथ। अब यहाँ पर ये होता है कि हमें धीरे धीरे हमारी एज बढ़ती है, तो एज के बढ़ने के साथ साथ हमारी बॉडी में भी ग्रोथ होता है। पहले आप छोटे थे, फिर उसके बाद में धीरे धीरे आपकी हाइट बढ़ने लगी, आपके सेल्स, आपकी पूरी बॉडी में डिफरेंस, अब धीरे धीरे सेल्स जनरेट होगी, तो उसके लिए भी तो कोई न्यूट्रिशन चाहिए। तो बॉडी में हम यहाँ पर प्रोटीन यहाँ पर यूज़ करते हैं, और उस कंडीशन में प्रोटीन अभी हमने देखा पल्सेस, मिल्क और डिफरेंट काइंड ऑफ फूड आइटम से हमें मिलता है। यहाँ पर ये होता है कि धीरे धीरे बॉडी, अब आपको पता है कि हमारी बॉडी बहुत छोटे छोटे सेल्स, टिश्यू और ऑर्गन से मिलकर के बनी होती है। अब नए सेल्स बनेंगे, उसी से ऑर्गन बनेगा, और ऑर्गन बनेगा तो हमारी बॉडी में डिफरेंट ग्रोथ होगी, बॉडी आपको बड़ी देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं है कि कोई जैसा छोटा था तो वो छोटा ही रह जाएगा, तो उस कंडीशन में वहाँ पर प्रोटीन की आपको लैग देखने को मिलेगा। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं प्रोटीन की, तो प्रोटीन यहाँ पर सेल्स जनरेट करता है और बॉडी को ग्रोथ करता है। साथ ही साथ ये प्रोटीन में एक काम, इसका एक